महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा हस्तक्षेप की कई चर्चाएं आके आ रही है, जिस पर जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री होते हुए अजीत दादा को पूरा अधिकार है कि वह कैबिनेट के सभी खातों के विषय में जानकारी ले, साथ ही साथ निर्णय में मार्गदर्शन करे। अजीत दादा आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री असताना नियोजन मंत्री असताना त्यांना पूर्णपणे अधिकार आहे की महाराष्ट्र सरकारच्या प्रत्येक विभागाच्या बद्दल माहिती घेणं आणि योग्य रीतीनं कॅबिनेट द्वारा त्यांच्या त्या विभागाच्या मंत्रीच्या द्वारा निर्णय घ्यायला लावायचं, हे काम काही चुकीचं नाही। आम्ही पण सरकारमध्ये भारत सरकारमध्ये काम केलं आहे आणि म्हणून आम्हाला अभ्यासामुळे मी तुम्हाला सांगतो की याच्यात काही चुकीचं नाही। कई दिनों से चल रही चर्चाओं के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा नेता अजीत पवार गुट में शामिल होने जा रहा है, जिस पर जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी की शुरुआत खुशहाली से हुई है, हमारे सभी विधि मंडल के साथी भी हमारे साथ आए हैं, साथ ही साथ कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी हमारे साथ है, जिस कारण से इस विषय पर चर्चा करने की कोई बात नहीं। अरे आमच्या पक्षामध्ये तर सुरुवातच आमची झाली, भरभराटीनं झाली आणि एवढा मोठा म्हणजे विधिमंडळाच्या म्हणजे आमचे साथी सगळे आले आमच्या पक्षामध्ये, इतर कितीतरी पदाधिकारी आमच्या पक्षामध्ये आले आणि म्हणून काही आमच्या पक्षामध्ये येणाऱ्याची संख्या अजूनही चालूच आहे, कुठे थांबलीच नाही, म्हणून काही याच्याविषयी काही चिंता करायचं कारण नाही। इन चर्चाओं के बीच यह देखना रोचक रहेगा कि आगामी चुनाव से पहले राज्य के सियासत के रंग किस प्रकार से बदलते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।